My best wishes for you. I hope you are in hilarious mood for learning. Be careful. Let us start. Today's topic is the important usage of auxiliaries in English grammar. As you know that auxiliaries play an important role to make a sentence. जैसा कि आपको मालूम है कि ऑक्सिलरीज अर्थात सहायक क्रियाएं किसी भी वाक्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होती है. एज यू नो दैट एन ऑक्सिलरी इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू शो टेंस मूड आर वॉइस. यानी किसी भी ऑक्सिलरी का प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है जो वाक्य के टेंस, उसके मूड और उसके वॉइस को क्लियर करता है. तो ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आपको यह जानकारी प्राप्त करनी है कि ऑक्सिलरीज है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं. तो आपको बता दूं कि ऑक्सिलरीज दो भागों में बांटे हैं, अर्थात देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज. फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और सेकंड मॉडल आ गए. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज मींस प्राथमिक सहायक क्रियाएं और मॉडल ऑक्सिलरी मींस शैली विषयक अथवा रूपात्मक सहायक क्रियाएं. तो आज पार्ट फर्स्ट के रूप में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का स्टडी करें. प्राइमरी ऑक्सिलरीज को तीन भागों में बांट दिया गया है. फर्स्ट बी और सेकंड डू और थर्ड हायर. There are three primary auxiliaries: be, do, and have. अब आप क्रमशः वाक्यों में इनके यूज और इनके इंपॉर्टेंस को जानेंगे. जैसा कि फर्स्ट बी है, बी का मतलब इज, आर, आई एम, वाज, वर होता. अर्थात बी को हम इज, आर, आई एम, वाज, वर के रूप में जानते हैं. ये सहायक क्रियाएं अर्थात ऑक्सिलरीज जो बी के अंतर्गत आते हैं, इनका प्रयोग वाक्यों में कहां होता है, किस स्थिति में होता है और इनका क्या महत्व है. जैसा कि आपको मालूम होगा कि इज ऐसे ऑक्सिलरी है, ऐसी सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए करते हैं, और आर ऐसी ऑक्सिलरी है जिसका प्रयोग हम वाक्य में प्लूरल नंबर के नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए करते हैं, और आई एम ओनली फर्स्ट पर्सन आई के लिए यूज होता है, और
वाज और वर जो पास्ट टेंस की आवर गैलरीज हैं, इधर प्रेजेंट टेंस की उधर पास्ट टेंस की, अर्थात दीज आर एंड प्रेजेंट टेंस की आवर गैलरीज हैं और वाज और पास्ट टेंस की आवर गैलरीज। तो वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए किया जाता है और वर का प्रयोग प्लूरल नंबर के नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। बी के अंतर्गत जैसा कि इज का प्रयोग, इज आर एम जो प्रेजेंट टेंस की ऑग्जिलरीज हैं, इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए वह गेंद खेल रहा है, वह गेंद खेल रहा, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है इसलिए इज का ही प्रयोग किया जाए, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो आप जानते ही हैं कि किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं कम से कम। जैसा कि वह गेंद खेल रहा है तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, मास्कुलिन जेंडर ही। उसके बाद आपको क्रमशः हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो ही इज प्लेइंग अ बॉल। इस प्रकार ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम इज का प्रयोग किए। इसी प्रकार प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और अन्य प्लूरल नंबर के नाउन, जैसे कि वे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, वे अपनी किताब पढ़ रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट दे अब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करेंगे, दे आर, फिर वर्ब रीडिंग, अपनी किताब डियर बुक्स, दे आर रीडिंग डियर बुक्स, वे अपनी किताब पढ़ रहे। इस प्रकार स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, इज का यूज हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए करेंगे और आर का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के लिए करेंगे। आई एम का प्रयोग कहां होगा? आई एम का प्रयोग ओनली फर्स्ट पर्सन के आई के साथ होगा, अर्थात मैं के साथ। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के रूप में, आई एम टेकिंग आर टी। इस प्रकार आई के साथ आई एम का यूज किया जाए। यदि यही
इज और एम वाक में मुख्य क्रिया के रूप में यूज किए जाए तो उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहें। इसी प्रकार वाज वर्ब का भी प्रयोग अगर मुख्य क्रिया के रूप में वाक में होगा तो लिंकिंग वर्ब कहलाए, लेकिन यहां आपको ऑक्सिलरीज के रूप में इनका प्रयोग बताया जा रहा है जिनका प्रयोग टेंस के ही वाक्यों में। इसी प्रकार पास्ट टेंस तुम कक्षा में भूगोल पढ़ रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य जैसा कि आपको बताया गया कि पास्ट टेंस के वाक्य में हम वाज ओवर का प्रयोग करेंगे। तुम कक्षा में भूगोल पढ़ रहे थे तो सब्जेक्ट यू, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है वर्ब, रीडिंग ज्योग्राफी इन द क्लास, यू आर रीडिंग ज्योग्राफी इन द क्लास, तुम कक्षा में भूगोल पढ़ रहे थे। इस प्रकार अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के स्थान पर वाज का यूज किया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि बी के अंतर्गत आने वाले इज आर एम वाज वर का प्रयोग हम कहां करेंगे और किस स्थिति में करेंगे, कैसे करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में किया जाए। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो दूसरा भाग है वो डू है। डू, आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डू को तीन भागों में बांटा जा सकता है, डस, डू और डिड। डज, डू, डिड, इनका यूज हम कहां करेंगे? डज और डू का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में करते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ और डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसा कि आपको मालूम है। निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें हम डज और डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, स्पष्ट है, यहां ता है, ती है, अंत में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डज अथवा डू का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर के लिए डज और प्लूरल नंबर के लिए डू। तो यहां सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसका मतलब डज का प्रयोग किया जाए। वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक। इस तरह अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डू का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आई, वी, दे और यू,
और प्लूरल नंबर के अन्य नाउन्स के साथ भी डू का प्रयोग किया जाए, जैसे कि मैं फल नहीं खाता हूं, इस प्रकार आपको बताया गया कि मैं अर्थात आई एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए डू का प्रयोग उसके साथ किया जाए। तो आई डू नॉट ईट फ्रूट, इस प्रकार प्लूरल नंबर का कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन, तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। निगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट, जैसे कि इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल आप देखें, जैसे कि क्या तुम मैदान में फुटबॉल खेलते हो, सेंटेंस है क्या तुम मैदान में फुटबॉल खेलते हो, प्रेजेंट डेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको बताया गया कि डज डू का प्रयोग प्रेजेंट डेफिनेट के इंटरोगेटिव और निगेटिव वाक्यों में किया जाता है। अब आपको इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है, तो आपको मालूम होगा कि यह वाक्य में यह क्या पहले होता है, तो हम उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं रखते हैं, बल्कि उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। यहां प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए डू का प्रयोग होगा, डू यू प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि डज और डू का प्रयोग प्रेजेंट डेफिनेट के निगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में करते हैं। अब हम डिड का एग्जाम्पल बताएंगे, डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। डिड पास्ट टेंस की ऑग्ज़िलरी, इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, तुम यह कविता नहीं लिखे, यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव। अब इसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो डिड का प्रयोग करेंगे, यू Did not, और जब did का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यू डिड नॉट राइट दिस पोयम, तुम यह कविता नहीं लिखे, यू डिड नॉट राइट दिस पोएम। अब इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, जैसे कि क्या
वह एक मधुर गीत नहीं गाई, सेंटेंस है क्या वह एक मधुर गीत नहीं गाई, इंटरोगेटिव निगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डिड सी फेमिनिन जेंडर, डिड सी, आपको ध्यान रहे कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव जुड़ा रहेगा तो नॉट अथवा नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। सो डिड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह एक मधुर गीत नहीं गाई, डिड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार क्लियर हो गया कि डज और डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में हम करेंगे। अब हम हैव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हैव को हैज, हैव और हैड के रूप में जाना जा सकता है। हैज और हैव प्रेजेंट टेंस के लिए और हैड पास्ट टेंस के लिए। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के लिए किया जाता है और हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस के वाक्यों के, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के लिए किया जाता है। अर्थात हैज है प्रेजेंट और है पास्ट। इसका एग्जांपल देखें, जैसे वह यह कहानी पढ़ चुकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सी सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज का प्रयोग, सी हैज रेड दिस स्टोरी, हैज है और हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही हमेशा किया जाता है। इसलिए इस वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ, सी हैज रेड दिस स्टोरी, वह यह कहानी पढ़ चुकी है। इस प्रकार अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज हैव हैड के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का यूज किया जाएगा, जैसा कि एक पास्ट टेंस का एग्जांपल है, मोहन बस से लखनऊ जा चुका था। मोहन बस से लखनऊ जा चुका, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हैड का यूज किया जाए, मोहन हैड गॉन, वर्ब थर्ड का प्रयोग, गो एंड गॉन अर्थात गॉन, मोहन हैड गॉन टू लखनऊ
बाई बस। इस प्रकार क्लियर हो गया कि हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में किया जाएगा और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में किया जाएगा, चाहे वो अफर्मेटिव का वाक्य हो, चाहे निगेटिव का हो, चाहे इंटरोगेटिव। अब स्पष्ट यहां यह कर देना उचित है कि डू, जिसे आपको डज और डिड के रूप में पढ़ाएगा, डज डू डिड, यह मुख्य क्रिया के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसी तरह हैव, हैव और हैड ये भी मुख्य क्रिया के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे रखना अथवा पास होना के अर्थ में। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, तुम्हारे पास तीन कलमें थी, तो यू हैड थ्री पेन्स। इस प्रकार यह मुख्य क्रिया के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसी तरह डू डज डिड, डज डू डिड, ये भी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर सकते। इस तरीके से आपको क्लियरली ये मालूम हो गया कि ऑक्सिलरीज हैं क्या और पार्ट फर्स्ट के माध्यम से आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अब आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज की टीचिंग प्रोवाइड की गई, अब उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जितनी भी चीजें समझाई गई उनका अभ्यास हो जाएगा और क्लियरली आपको मालूम भी हो जाएगा। जैसा कि होमवर्क के रूप में आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन के रूप में फेल इन द ब्लाइंड्स विथ टेबल और गैलरी, अर्थात क्वेश्चन के रूप में आपको वाक्य के खाली स्थानों पर सुटेबल और गैलरी को फिल करना, जैसे कि फर्स्ट आई फिर ब्लैंक्स है नॉट लाइक इट, आपको इस ब्रैकेट से उचित एप्रोप्रिएट और सुटेबल और जल्दी को यहां पर फिलअप करना। ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ब्रैकेट में हैज हैव और है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस आई फिर ब्लैंक्स रीडिंग अ बुक, फोर्थ सेंटेंस
सिंग सारे ब्लैंक्स है, उसके बाद सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से पांचवा वाक्य, आई फिर ब्लैंक्स है, आई उसका ब्लैंक्स, रीच देयर इनपोर्ट, ही केम। As have had ब्रैकेट में इसमें से सुटेबल ऑब्जेक्टिव को आपको ब्लैंक में भरना है, फिल करना। इस प्रकार आप इसके माध्यम से अभ्यास कर लेंगे। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच।